हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जोटा ब्लॉग। दोस्तों, करंटली टाटा मोटर के खेमे में शामिल है एंट्री लेवल हैचबैक कार टियागो, टियागो सीएनजी, टियागो ईवी, मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर, टिगोर सीएनजी, टिगोर ईवी। इसके अलावा टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज, अल्ट्रोज सीएनजी। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में शामिल है टाटा नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन ईवी। मिनी एसयूवी सेगमेंट में शामिल है टाटा पंच सीएनजी और फाइव सीटर प्रीमियम एसयूवी हैरियर, जो कि डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है भारतीय बाजार में। और इसके अलावा टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर सिक्स सीटर एंड सेवन सीटर एसयूवी टाटा सफारी भी शामिल है। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स के साथ अवेलेबल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टाटा नेक्सॉन जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और टाटा हैरियर जो कि एक फाइव सीटर प्रीमियम एसयूवी है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप को भरने के लिए टाटा मोटर ला रही है दोस्तों फेसलिफ्ट सुमो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है। इसमें आपको मिलने वाली है कनेक्टिंग एलईडी डे टाइम टर्निंग लाइट, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्विन फॉग लैम्प, बिल्कुल हूबहू टाटा हैरियर की तरह ही। फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स तो मिलेंगे ही, और साथ में इसके रियर प्रोफाइल में एलईडी कनेक्टिंग टेल लैंप यूनिट जरूर मिलेंगे आपको। वहीं साकफिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर एंड रियर वाइपर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेगा। वहीं इसके इंटीरियर में आपको कीलेस एंट्री, डैशबोर्ड लेआउट हूबहू टाटा नेक्सॉन और हैरियर से मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। सेंटर कंसोल में लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील पे इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 2+3+2 की कॉन्फ़िगरेशन सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको दिया जा सकता है इलेक्ट्रिक सनरूफ भी, साथ ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेगा। और इसके साइड प्रोफाइल में 18 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके जो एक्सपेक्टेड जो डाइमेंशंस है आप चेकआउट कीजिएगा स्क्रीन पे। जहाँ तक इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 2 टाइप इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है, 2 लीटर 4 सिलेंडर क्राइटेक डीजल इंजन जो कि 170 पीएस की पावर, 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं आपको इसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन में देखने को मिलेगा, जो कि 130 bhp की पावर एंड 250 nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंक्रेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, 3 ड्राइव मोड्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। वहीं इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025 में लॉन्च हो सकती है। और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग रेंज की बात करें तो 10 लाख टू 15 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जा सकती है।